क्या आप मुझसे शादी करेंगी वेदिका जी? शादी करेंगी? क्या हम मिलकर दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि प्यार में दूरियां मिट जाती है? बताइए वेदिका जी, एक बार और। हाँ साहिब। बस एक शर्त है मेरी। शादी हम कल ही करेंगे। वेदिका जी, आज क्यों नहीं कर सकते शादी? अभी क्यों नहीं कर सकते शादी? प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ। चलो अच्छा है, एटलीस्ट अपने हाथों कर दी, पर ना मुझे लगा उस दिन की तरह झन 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 हो जाएगा मेरा वापस। डन डन वेदिका जी, डन। जब भी आप कहें हम तभी शादी करेंगे। थैंक यू भगवान जी, मान गया मैं आपको। आपने मेरे प्यार को वेदिका जी सच्चा माना है ना? पहले की तरह उसे हवस, बचकाना, इमेच्योर तो नहीं समझ रही हैं आप? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको प्यार किया है, ऐसा प्यार मैंने कभी किसी से नहीं किया। जरा सोचिए, आपको चाहकर मैं इतना खुश हूं। जब आपको पालूंगा तो क्या हाल होगा मेरा? देखा, मैंने कहा था 21st century का कृष्णा हूं मैं, जो माइथोलॉजी से हटकर हिस्ट्री बना रहा है, जिसे कल अपनी राधा मिलेगी। वैसे वेदिका जी, मैंने सब प्लान कर दिया है। वो मंदिर है वहां पे एक, जहां हम जाएंगे, आपका परिवार वहां होगा। अब मेरा परिवार नहीं, मेरे परिवार में से सिर्फ जीजू और जीजी आएंगे, क्योंकि अगर बड़ी अम्मा माँ गई तो फिर डोली के बदले डिशकियाँ गोली चल सकती है, और उसके बाद एम्बुलेंस भी आ सकती है, तो वो सब हम अवॉइड करेंगे। लेकिन आप परेशान मत हो ना, शादी के बाद मैं उन्हें पटा लूँगा, और उसी मंदिर में पंडित होगा, करण होगा, मेरे दोस्त होंगे, और फिर आप और मैं शादी करेंगे उसी मंदिर में। तुम्हारे जैसे लड़के बनने बंद हो गए हैं साहिब, जो पूरे दिल से प्यार करते हैं। और क्या वेदिका जी, पूरे दिल से जान लगा के प्यार नहीं किया तो फिर क्या किया? तुम ऐसे ही रहना साहिब, पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी नहीं, 10 जन्म, कम से कम 7 तो वेदिका जी। लेकिन एक शर्त है, हर लाइफ में आप मेरी लाइफ पार्टनर होंगी। ओके अच्छा वेदिका जी, अभी आप जल्दी घर जाइए, क्योंकि मैं भी घर जाऊंगा और तैयारी करूंगा, और आप भी तैयारी करेंगी, क्योंकि कल हमें उसी मंदिर में पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है उसके बाद क्या होने वाला है। हम दोनों शायद नहीं, मोस्टली हम शादी करेंगे और हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो आप अभी जल्दी से घर जाइए, मैं भी घर जाता हूँ, तैयार होके कल मिलते हैं फिर हम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वेदिका जी, प्लीज़ 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 प्लीज़, कुछ ही घंटे बाकी है, प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर। बाय 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 बाय। आंखें फोड़ देंगे हम, जो अग्रवाल खानदान की बहू बनने का सपना सजो रही है। साहिल को जो करना है करे, लेकिन
उस औरत की मांग में सिंदूर नहीं भर पाएगा, ये दावा है हमारा। बड़े मां, आप क्या करने वाली हैं? वही जो बड़ी अम्मा ने आज बड़ी अम्मा ने आज तक नहीं, वो बातों से नहीं समझी, कीचड़ उछालने से नहीं समझी, उसे समझाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इस घर के इकलौते वारिस की जिंदगी में जहर घोलने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी उस दुष्ट औरत को, ना वो रहेगी ना उसकी परछाई। एक झटके में इलाज कर देंगे उस वेदिका नाम की बीमारी का। बाप रे, बड़ी अम्मा का ये चंडाल रूप आज पहली बार नजर आया है। बातों से सभ्य लगती हैं, मगर इरादे भौंदे हैं। अगर श्रुति और हमारे रिश्ते की भनक भी पड़ गई इन्हें, तो नतीजा खतरनाक होगा। बच के रहना पड़ेगा इनसे। क्या है ये सब? साहिल ने तेरे लिए शादी का जोड़ा भेजा है। वाओ, वैसे साहिल की चॉइस इतनी बुरी नहीं है। होगी भी कैसे, उसने अपने लिए तो जो चूज किया है। रुक, अपना ये ट्राई करते हैं। माया रुक, माया छोड़ ये सब। क्यों रुकूं? देख, तू ना मुझे कुछ छुपा नहीं सकती। साहिल ने मुझे सब बता दिया है। कल सुबह 10 बजे मंदिर में। ओए होए यार, तुम लोग तो बहुत फिल्मी निकले। फुल हीरो हीरोइन टाइप शादी, और वो भी घर वालों से छुप के। तुझे पता है, आर्या तो इतनी खुश है कि सब सहेलियों को बताने भाग गई, और मंजुला आंटी तो बाप रे। खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। क्यों लग रहे हैं ना हम उस अमीर चादी की टक्कर के? हाँ, पता तो चले कि हम भी अपनी बेटी का ब्याह अग्रवाल खानदान में कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरी दुकान जो पहन ली आपने। माँ, ये गहने कहाँ से? अरे नकली हैं, किराए पर लाए हैं, कल शाम को लौटाने हैं। मगर अब कहाँ है, अब तो हम ऐसे असली गहने पहनकर पूरे घर में घुमा करेंगे, चले है ना? अरे वेदिका, जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है ये तूने। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझ में इतनी तो अकल आ गई। सच थोड़ी खुश तो हो जा। अरे थोड़ी खुशी जाहिर करने से तेरी महानता कम नहीं हो जाएगी। हाँ करेक्ट, एक स्माइल तो बनती है। देख, अब तूने जो फैसला कर लिया तो कर लिया, अब खुशी खुशी शादी कर ले और जो हुआ उसे भूल जा। साहिल तो खुशी के मारे पागल हो रहा है, और तुझे देख पागल हो रहे हो आप सब। अरे क्यों ना हो, तेरी शादी है वेदिका, और तेरे चेहरे पे ना स्माइल अच्छी लगती है, दर्द और पेन नहीं। और तुझे तो एक ही बंदा हंसा सकता है, वो है तेरा होने वाला हस्बैंड।
वेदिका जी, आई लव यू। साहिल अग्रवाल। वेदिका जी, आप मुझसे शादी करेंगी? वेदिका जी, फ्लावर्स फॉर यू। वेदिका जी, क्यों? क्या तू वेदिका जी से शादी कर रहा है? पर साहिल, जी जी धीरे बोलिए। बड़े में किसी चमचे ने सुन लिया ना तो फेरों के पहले फांसी मिल सकती है मुझे। देखो जीजी, मैं जानता हूँ कि आप अपने लिए कभी नहीं लड़ी, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया। ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हो। इस परिवार का वो सदस्य जिसने बिना किसी शर्त के मुझे प्यार किया वो मेरे साथ हो, और वो आप हो जीजी। आप दोगे ना मेरा साथ? अपने भाई को सेहरा पहनाओगे ना आप? हाँ मेरे भाई, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने प्यार से शादी करने जा रहा है तू, बहुत खुश हूं तेरे लिए। पैसा है, शादी के रिश्ते में प्यार सबसे जरूरी चीज होती है, और अपने भाई को उसका प्यार दिलाने में मैं उसका साथ जरूर दूंगी। थैंक यू जीजी। ओ बाय द वे, कोई और भी है जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। कौन? माइंड ना करिएगा, बंदर आ सकते हैं। माइंड ना करिएगा, हम तो शुरू से ही साले साहब के साथ हैं। और हाँ, इसकी मदद करके पहली बार तुम अकलमंदी का काम कर रही हो। दीपक जी, आप सच में साहिल के अरे साथ? तो काहे नहीं करे, एक लौता साला है हमारा भाई, और इसकी खुशी के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा गौरी? क्यों साले साहब? अच्छा तुम अभी एक काम करो, आज रात को करण के पास ही रुक जाना, सुबह को दूल्हा बनकर डायरेक्ट मंदिर पहुंच जाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं वेदिका जी से शादी कर रहा हूँ। जी जी, चिमटी मारी है। संभाल के साथ। जी जी प्लीज। ये कांड बिलीव कर, वेदिका जी से शादी कर रहा हूँ मैं। भौंकला गया है साले साहब। और तुम काहे इतनी हैरान हो रही हो धर्म पत्नी जी? पुण्य करेंगे तो पुण्य पाएंगे, क्यों सही कह रहे ना हम? और हाँ, पंडित जी ने नुस्खा बताए हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, आज रात ही परख लेते हैं। कल तो तुम्हारे भाई के शादी में डांस करना है। अब तो हमें और जल्दी है लौंडा पैदा करने की, क्योंकि इस घर का चिराग कल के हादसे के बाद बुझने वाला है, और फिर बड़ी अम्मा को अगला वारिस हम देंगे। माइंड ना करिएगा, कल मेरे साले की शादी है। मिल गया समय आने का? हाँ, उलाहाबाद में सर फुड़वा के कौन सा पदक जीत ली हो तुम? तारीफ तो तब होती तुम्हारी जब उस दुष्ट गौतम के चुंगल से हमारे साहिल को बचा के लाती, ना कि वेदिका माथुर। सर फुड़वाया फालतू में और महान बन गई वो औरत, इसीलिए दीवाना बना फिर रहा है हमारा बेटा उसका। आई एम सॉरी बड़ी अम्मा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो थी, लेकिन साहिल बिना बताए मुझे वहां से चला गया। हाँ, ऐसे ही जिंदगी से निकल जाएगा वो तुम्हारी और तुमको पता भी नहीं चलेगा। सर फोड़ लिया साहिल की खातिर हमारी बच्ची ने, कौन करता है ऐसा? आपका साहिल तो है ही फिसलू, ऐसे में हमारी बेटी उसे कैसे रोकती बताइए जरा। एक बात कहें बहन जी, हमारी निधि कुछ भी कर ले, आपको तो बस कम ही लगता है।
पैदल होगा दिमाग से? हाँ, कुछ भी बेस सिर पैर की बातें बके जा रही। अरे अलाहाबाद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो यहाँ इतना कुछ बवाल हो चुका है और तुम वही पर अटकी हुई। खैर अब जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे। वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी का अंत हम अपने हाथों से लिखेंगे। तुम लोग चाय पियो चाय, और आगे का करना है वो हम तुमको बताएंगे। बड़ी अम्मा को तो बस हर चीज कम ही लगती है। अरे अरे तू ज्यादा मत सोच मेरी बच्ची, माथे पर लकीरें पड़ जाती ज्यादा दिमाग चलाने से, समझी? अच्छा सुन, जवान लगना है कि नहीं साहिल के लिए? घर चल तू, तेरे चेहरे पर अच्छा सा फेस पैक लगाती हूँ मुल्तानी मिट्टी का। ये सब घरेलू नुस्खे छोड़ो माँ, और ये मत भूलो कि हमारे यहाँ आने का असली मकसद क्या है। मुझे किसी भी हालत में निधि त्रिपाठी से निधि साहिल अग्रवाल बनना है, और इसके लिए दो चार बातें सुन भी लूं तो क्या हुआ? हाँ हाँ सब कुछ पता है मुझे, लेकिन ये जो तेरी बड़ी अम्मा है ना, जब अपना रौब दिखाती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन ये याद रखना मैं कि बचपन से लेके आज तक सोते जागते जिसके सपने देखते आई हूँ ना मैं, वो सर पे चोट खाने के बाद भी मैं भूलने वाली नहीं हूँ। अबे साले इतना उछल मत, शादी हो रही है तेरी और दूल्हे को इतना खुश होने का हक नहीं होता। यार कोई नहीं आया मेरी शादी में, ये ऐसी पहली शादी जिसमें दूल्हा सबसे पहले आया। जीजू और जीजी भी नहीं आया यार। अबे कौन आया अबे? आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ साहिल, तेरी लव स्टोरी ना दुनिया से अलग है, बिल्कुल तेरे जैसी, और ऐसे प्यार को शादी तक पहुँचना ही चाहिए। माइंड ना करेगा साले साहब, थोड़ा लेट हो गए हम, मगर वो क्या है ना कि बिना बैंड बाजा के हमारे साले साहब की शादी हो ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू जी जी। अरे साले साहब माइंड ना करेगा, लेकिन क्या लग रहे हो आप? चलिए अंदर चलते हैं। हाँ साहिल, वेदिका जी कहाँ है? जी जी, वेदिका जी और उनकी फैमिली अभी पहुंचते ही होंगे। अच्छा जी।
नमस्ते माजी। वेदिका जी कहाँ है? पता नहीं बेटा, कुछ कह के नहीं गई। हमने घर में देखा, मोहल्ले में देखा, लेकिन कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी ऑफ है साहिल, मुझे घबराहट हो रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। साहिल मेरा मतलब है तुम्हारे घर वाले। आप सही कह रही हैं, माइंड ना करेगा, बड़ी अम्मा का कोई भरोसा नहीं है साले साहब। कहीं उन्होंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो।